वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जो रिलीज 2009 में हुई थी, लेकिन आज तक लोगों के दिल पर राज कर रही है। गाइस, हम बात करने वाले हैं आमिर खान की मूवी थ्री इडियट के बारे में। मूवी की बात की जाए तो मूवी ना सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में ब्लॉकबस्टर रही, बल्कि इसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज लाइक कोरिया, चाइना एंड इंडोनेशिया वगैरह में भी सुपर डुपर हिट रही। इसके अलावा अगर मूवी के बजट की बात की जाए तो मूवी का बजट था 55 करोड़ रुपीज, जबकि उसने टोटल बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया 400 करोड़ रुपीज का। आमिर खान और थ्री इडियट्स के फैंस के लिए एक बिग न्यूज उबर के बाहर आ रही है, और वो ये है कि थ्री इडियट पार्ट टू बहुत जल्द आने वाला है। रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिससे तो बिल्कुल वाजिया ये नजर आ रहा है कि थ्री इडियट पार्ट टू बहुत जल्द आने वाला है। थ्री इडियट्स का सीक्वल आ रहा है, लिख के ले ले। आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल नहीं लग रही, बल्कि ये लग रहा है कि बंदे ने सीधा सीधा ट्रेलर रिलीज कर दिया। सोच रहे हैं, हम जानते हैं कि हम एक्टर्स क्रिकेटर्स के कपड़े पहन के प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों दे रहे हैं। आमिर खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया क्रिकेट पे? वो क्या है ना कि आजकल क्रिकेटर्स एक्टिंग में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। जब भी टीवी ऑन करो एड्स में दिखते हैं, ये मैं कर लेता हूँ, वो मैं कर लेता हूँ। सोचा कि ये लोग एक्टिंग में बिजी हैं तो क्रिकेट कर हम कर लेते हैं। इसमें एक्टिंग करके कोई एक्टर नहीं बन जाता। अरे इसकी हर पिक्चर 300 करोड़ से ऊपर जाती है और ये लोग एक्टिंग उनसे करवा। अरे रोहित शर्मा काय का हिटमैन है, असली हिट्स तो इसने दिए हैं। एक बात बिल्कुल क्लियर है कि थ्री इडियट पार्ट टू बहुत जल्द आने वाले हैं। क्या आप लोग इस मूवी का इंतजार कर रहे हैं? तो ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं एक और वीडियो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर।